सर जय सिंह, गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। माय टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब तो पहले आप गल करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंदा की है। जे आप जो पिछे आप स्टडी किया संबंध ही देखिए, ट्रांसलेशन मोशन के टर्न अपने को डिस्प्लेसमेंट, ये एनालॉग टर्म इन रोटेशन मोशन की अपने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेशन मोशन के टर्म अपने को वेलोसिटी, रोटेशन मोशन टर्म की अपने को एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह ही जे आप ट्रांसलेशन मोशन के गल करते हैं फोर्स, तो वो एनालॉग रोटेशन मोशन टर्म है जी वो की है टॉर्क। तो जे आप गल करिए मास, जो आप ट्रांसलेशन मोशन जिहड़ा रोल मास अदा करता है, वो एनालॉग कि टर्म है जिहड़ी सेम रोल अदा करती है इन रोटेशन मोशन, एंड दैट टर्म इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुंदी की है, इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, ये सेम रोल अदा करती है। जे आप इस टर्म का एक्सप्रैशन समझना है, सब तो पहले आप कंसीडर करते हैं ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एंड फिक्स्ड एक्सिस, कोई बॉडी है किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। एज बॉडी रोटेट्स विद सम एंगुलर वेलोसिटी, देन ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आल्सो रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। एंड टू सी द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट वी कंसीडर से पार्टिकल ऑफ मास एम वन विच इज एट ए डिस्टेंस आर वन फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन। एज बॉडी रोटेट्स आर द पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर पाथ, एंड फॉर दिस पार्टिकल इफ वी राइट किनेटिक एनर्जी हाफ एम आई वी आई ना एम वन वी वन स्केयर, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल है आर वन डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सेलरेशन, तो एम वन की है मास। देन किनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इज हाफ एम वन वी वन स्केयर। आल्सो वी नो लीनियर वेलोसिटी या ट्रांसलेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू, जे अपने को पार्टिकल फस्ट है यदि वेलोसिटी मान लो वी वन लिख दी आप ओमेगा आर वन, बिकॉज ओमेगा इज सेम फॉर आल पार्टिकल, सारे पार्टिकल वास्ते ओमेगा सेम है, क्योंकि बॉडी है जी एंगुलर वेलोसिटी है जी ओमेगा। देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज के वन इक्वल टू हाफ एम वन ओमेगा आर वन फोर स्क्वायर, और के वन इक्वल टू हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ इफ वी कंपेयर से दिस इक्वेशन वन एंड दिस इक्वेशन सेकंड, इफ वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी सी दैट द वेलोसिटी वी वन ये कॉरस्पोंडिंग टर्म है जो रोटेशन मोशन के अपने को है एंगुलर वेलोसिटी, एंड द टर्म विच इज एनालॉग टू मास दैट इज एम वन आर वन स्क्वायर दिस टर्म, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल हैविंग मास एम वन। जिहड़े पार्टिकल का मास एम वन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आ गई एम वन आर वन स्केयर, क्योंकि ये सेम रोल अदा करती है इन रोटेशन मोशन के एज इज डन बाई मास इन ट्रांसलेशन मोशन। देयर फोर आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल वन इज एम वन आर वन स्केयर। सिमिलर वे फॉर सेकेंड पार्टिकल वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू एम टू आर टू स्केयर एंड सो ऑन, बिकॉज द पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से एन पार्टिकल, देन वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनथ पार्टिकल इज इक्वल टू एम एन आर एन स्केयर। दीज आर द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया
ऑफ ए इंडिविजुअल पार्टिकल देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी बॉडी की टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी गिवन बाय आई इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एम एन आर एन स्क्वायर और वी मे ऑल्सो राइट समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम वाई आर आई स्क्वायर विद द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी दिस रिजिड बॉडी एडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपने को ए आ गया तो इतों आप डिफाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी की है इंडिविजुअल पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज सम ऑफ द we may also write I equal to summation I equal to 1 to n n y r I square which is the expression for moment of inertia of this rigid body about this axis of rotation from this we can also define moment of inertia as moment of inertia of a rigid body is equal to sum of the products of the masses of the individual particles and their respective perpendicular distance from the axis of rotation. Now, unit of moment of inertia. SI unit of moment of inertia. SI unit of moment of inertia MOI mean moment of inertia is kilogram meter square mass unit kilogram or radius meter kilogram meter square CGS unit of moment of inertia is gram centimeter square ऐसे तरह ही असं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम वन एन टू टी जीरो इज इट क्लियर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिदे विच आपां क्लीयर से कि जिहड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन इस करके आपां जे डिफरेंट ऑब्जेक्ट लईए डिफरेंट शेप्स दे ऑब्जेक्ट लईए तो उन्हां दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वक्री वक्री आउंदी है फॉर एग्जाम्पल आपां सर्कुलर रिंग देखीए जिहदी एक्स ऑफ रोटेशन है जिहड़ी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर जो सेंटर से पास करती है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है अपने को एम आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग जेकर सेम सर्कुलर रिंग हो बट एक्स ऑफ रोटेशन पास थ्रू डायमीटर या अलोंग द डायमीटर जो एक्स ऑफ रोटेशन है अलोंग द डायमीटर हो दैन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट दिस इसे तरह जो आप सर्कुलर डिस्क लीए जिस तरह डिस्क अपने को जेकर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेलरेशन है जी बिल्कुल सेंटर से पास करती है जो मैं इस तरह देख रहा एक्सेलरेशन इज सेंटर से पास करती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर आर इज रेडियस ऑफ द डिस्क एंड एम इज मास जेकर अपने को एक्सेलरेशन है अलोंग द डायमीटर इस तरह हो अलोंग द डायमीटर हो यानी कि यह इस तरह रोटेट करता हो जरा डिस्क है अपने कोटेशन इस तरह होगी दैन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट 1.4 एम आर स्क्वायर जे अपने को सॉलिड सिलेंडर हो जिस तरह अपने को सिलेंडर है जेकर यह रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्स जी एक्स रोटेशन है अलोंग द एक्स ऑफ द सिलेंडर इस तरह है ये इस तरह रोटेट करता है तो यदि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ एम आर स्क्वायर तो आप देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जी
वो एक्स का रोटेशन पर भी डिपेंड करती है, मास पर भी डिपेंड करती है। तो फिर आप देखते हैं कि कौन फैक्टर है जिन्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है, वो डिस्कस है फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड, किन्ना किन्ना फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो फस्ट फैक्टर है जरा नंबर वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, मास ऑफ द बॉडी, जिहड़ी बॉडी की आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं वो मास से डिपेंड करती है। सैकेंड फैक्टर अपने को शेप एंड साइज, वो शेप कि है या साइज कि है उससे डिपेंड करती है, भावें मास सेम हो जो शेप चेंज होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगी। थर्ड अपने को है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, किसी भी बॉडी के बच्चे मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है वो डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्थ पॉइंट पोजिशन एंड एक्सिस ऑफ पोजिशन एंड ओरिएंटेशन, पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन फैक्टर से डिपेंड करती है। इस तो बाद आप एक होर देखते हैं जो कंसैप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आप प्रैक्टिकली यूज कितने करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, आपको कई बार पता नहीं होता पर आप कंसैप्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एक सीविंग मशीन अपने को लगभग हरेक घर होंगी है कपड़े सीन वाली मशीन, तो वह कपड़े सीन वाली मशीन के एक फ्राई पैन लगे होंगे जिदे हैंडल लगे होंगे उन्होंने रोटेट किया जाता है, तो हैंडल है जरा जिद ग्रेंट किया फ्राई पैन है, फ्लाई व्हील हैवी होंदा उहदा मास मोस्टली उहदे सरकमफेरेंस ते डिस्ट्रीब्यूट होंदा। इसे तरह जे आपां गल करिए स्टीम इंजन की जां आटोमोबाइल इंजन की उन्हां दे विच भी एक हैवी डिस्क होंदी है उहनूं भी आपां फ्लाई व्हील कहिंदे हैगे आ, तां उह क्यों यूज किया जाता होंदा क्योंकि उहदा साइज ज़्यादा होंदा, मास है जिहड़ा फ्लाई व्हील का मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटड होंदा सरकमफेरेंस, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होने के कारण इट अपोजिज द जर्की इनक्रीजन स्पीड, कि जर्की मोशन है जरा कि झटका लगना जरा भी मोशन झटके मार के इस तरह चले उसनों यह अवॉइड करता प्रिवेंट करता है। तो फ्लाईवील इस करके यूज करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने करके उदा मोशन है जरा समूथ हो जाता है, जेकर फ्लाईवील ना यूज किया जाए तो मोशन है जरा समूथ नहीं होगा। ये अपने को एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तो बाद आप अगे डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अपने को बॉडी है कोई जिदे कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल है ऑफ मास एम वन एम टू एंड सो ऑन एम एन, सपोज द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू कंसनट्रेटेड एट दिस पॉइंट से पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सल रोटेशन, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, let its distance from the axial rotation is k, then this distance is called radius of gyration, and if we add whole mass of the body supposed to be concentrated at this point, therefore moment of inertia of the body when mass concentrated at this point will be equal to the moment of inertia of the all individual particles, that is the way we can write एम के स्केयर इज इक्वल टू एम वन आर वन स्केयर प्लस
एम टू आर टू स्केयर प्लस एंड सो ऑन प्लस एम एन आर एन स्केयर और फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो राइट के स्केयर इज इक्वल टू एम वन आर वन स्केयर प्लस एम टू आर टू स्केयर प्लस एंड सो ऑन एम एन आर एन स्केयर एंड डिवाइडेड बाई एम. If we consider all the particles of the body of equal mass, that the mass of each particle is same, just we take m1 equal to m2, that dash equal to mn equal to m, then we can write k square equal to mr1 square plus mr2 square plus dash dash mn now mrn square divided by n or k square equal to m common ले जाएं r1 square plus r2 square plus dash dash plus rn square. And if there is any number of particles and mass of each particle is smaller, then we can write this mass as m n to n, and cancelling this we get k square equal to r1 square plus r2 square plus r n square divided by n, or k equal to r1 square plus r2 square plus dash dash plus rn square divided by n with the expression for radius of gyration. Radius of gyration to baad apa kar lage hain theorem of perpendicular axis. ye jo theorem of perpendicular axis hai ye khaas dhyan rakhne ka hai, ye sirf planar body te hi plane lamina ते ही एप्लीकेबल है. प्लेन प्लेनर बॉडी या प्लेन लैमिना मीन वो बॉडी जिनी थिकनेस, सपोज मैं इस तरह की बॉडी लेना जिम्मे हर डिस्क है प्लेन, या इस तरह मेरे को मोबाइल है यदि थिकनेस है जी इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन, तो इस तरह की बॉडी जिनी थिकनेस बाकी डायमेंशन तो काफ़ी घट हो प्लेनर बॉडी होंगी है. तो जी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ प्लेनर बॉडी से ही लगती है या प्लेन लैमिना से ही लगती है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम के अनुसार की है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with the perpendicular axis and lying in the plane of the body. ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨਰ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਐਕਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਟ ਐਕਸਲ ਹੈ, एक ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सर्कुलर बॉडी जो लैमिना जो आप कंसीडर किया है, तो जेकर ये बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपने को आई जाए हूँ जी ये बॉडी है ये जो आप एक्सिस ये लें बॉडी इस तरह रोटेट कर सकती है, तो जे आप परपेंडिकुलर इस तरह रोटेट कर सकती है. तो जी दो परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक इन द प्लेन ऑफ द बॉडी इन्होंने अबाउट जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उन्होंने जोड़ के बराबर होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. देयरफॉर वी कैन राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. ये अपने को थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस.
इस तो पहले आप कर रहे थे थ्यूरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जिस तरह आप गल की जी थ्यूरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो एप्लीकेबल टू ओनली प्लेनर बॉडी, बट नेक्स्ट कर रहे आप थ्यूरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उस थ्यूरम तो यह फर्क है कि दिस थ्यूरम इज एप्लीकेबल टू ए बॉडी ऑफ एवरी शेप, किसी तरह की शेप होगी किसी बॉडी की उसते ही थ्यूरम एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्यूरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्केयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। दैट इज सपोज अपने को है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी की है आई, दैन दिस विल बी इक्वल टू आई सी प्लस जे मास ऑफ द बॉडी सपोज एम है वी कैन राइट एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज डी, दैन आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्केयर। एक ही अपने को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हाँ ये एक ध्यान रखने वाली गल है कि आपको ये पहला पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए। दैन वी कैन कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। हाँ एक होर गल है जो खास है, ये कोई जरूरी नहीं कि आ जी एक्सिस है ये बॉडी के बच्चों पास करे, शर्त यही है कि जिहड़ी गिवन एक्सिस है जिहदे अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं वो की है एस एक्सिस से जी सेंटर ऑफ मास पास कर रही है ये पैरेलल ही होनी चाहिए है। तो ये अपने को सैकंड थ्योरम है, यू आप वरतते हुए न्यूमेरिकल कर सकते हैं जी आप नेक्स्ट एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक डिस्क है जिहदी एक्सिस जी प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करती है वो अबाउट अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, आप फाइंड आउट करनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। जिस तरह डायग्राम है आप एक डायमीटर ले लिया लोंगे एक्स एक्सिस तो दूजा ले लिया लोंगे वाई एक्सिस, अपन पता है अकॉर्डिंग टू थ्यूरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इतने अपने को क्योंकि डायमीटर के अबाउट डिस्क सिमेट्रिकल होंगी है तो इसलिए आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी, आई बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। देन वी कैन राइट आई जेड इक्वल टू आई बी प्लस आई डी इक्वल टू आई बी और आई बी इक्वल टू आई जेड डिवाइड बाई टू और आई जेड अपन गिवन है वन बाई टू आ गया, आई जेड अपने को वन बाई टू एम आर स्क्वायर। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज 1/4 एम आर स्क्वायर। इस तरह आप होर भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तो बाद आप रिकैपिटुलेशन करांगे। हुण आप देखते हैं कि अज के लैक्चर में आप पढ़िया, सब तो पहला आप देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, आप बड़े डिटेल से डिफाइन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी किदे बराबर होंगी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्टिकल एंड स्केयर ऑफ द रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया जिस तरह आप लिखते हैं आई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू एम आई आर आई स्केयर आई इक्वल टू वन टू एम, ये अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आप डिफाइन किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज वास्ते डिफरेंट होंगी है, डिफरेंट शेप्स लिए डिफरेंट होंगी है, आप भी देखिए कि अलग अलग बॉडीज का उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। फिर आप देखिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी कि फैक्टर से डिपेंड करती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, उस तो बाद डिपेंड करती शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आलसो डिपेंड ऑन पोजिशन
एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देने हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाती हैगी है। तो ये फैक्टर पर डिपेंड करती थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस तो बाद थ्योरीज ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। हाँ ये भी दसिया से मैं तुम्हें कि जी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वह सिर्फ प्लेनर बॉडी लिए यूज होंगी है, जी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वह यूज होंगी है सिर्फ हर तरह की बॉडी लिए, हर तरह की बॉडी लिए यूज होंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आप देखा सी के आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो जी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किया आप किया आई इक्वल टू आई सी प्लस एम बी स्केयर। इस तो बाद न्यूमेरिकल भी किया, तो इन दो थ्योरम की यूज करते हुए आप होर भी न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लगता है तुम्हें अज के लैक्चर की बहुत चंगी तरह समझ आई होनी है, तो तुम सारे ने मेरे लैक्चर में चंगी तरह सुनिया, ये सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।